इसको मैंने इस प्रकार से लिखा होता तब आपको देखो इसमें क्या परिवर्तन करना होता। ही राइट ए लेटर, ऐसा मैंने लिखा और अंत में फुल स्टॉप लगाया। आपको पहले ही बता दिया गया है ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, ये थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है। इसलिए आपको शुद्ध करने के लिए यहां पर एस जोड़ना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। ये बात आपको पढ़ाई जाती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। तो आपने देखा ही राइट से लेटर वाक्य तो शुद्ध बन गया है। अच्छा, प्रश्नवाचक बनाना चाहता हूं। ही राइट से लेटर, वह एक पत्र लिखता है। अब मैंने कहा क्या वह एक पत्र लिखता है, तब आपको क्या करना होगा, इधर से डू डज को बाहर निकालना होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहां एस जुड़ा हुआ है, यानी एक वचन है, और ही से भी पता चल रहा है कि एक वचन है। तो आपने डज को बाहर निकाला और आपका सेंटेंस बन गया, डज ही राइट्स ए लेटर, और अंत में लगाया आपने क्वेश्चन मार्क। गलती कहां हो गई मुझसे, गलती यहां हो गई मुझसे, क्योंकि जब यहां डज में मैंने क्या बोला, डज के अंत में क्या आ गया, ओ। जब यहां ओ आ गया तो ये एस जब डू में जाके जुड़ेगा तो ये ईएस में बदल जाएगा, क्योंकि अंत में ओ आ रहा है। मैंने कहा जिन क्रियाओं के अंत में ओ आए, डबल एस आए, सी एच आए, एक्स आए, जेड आए, उन क्रियाओं के अंत में क्या होता है कि एस का प्रयोग नहीं, ईएस का होता है। ये एस इधर से आके यहां लग गया तो डज ही राइट, अब इस एस की आवश्यकता नहीं रही क्योंकि ये तो यहां आ चुका ना। शुद्ध वाक्य बनेगा डज ही राइट ए लेटर, क्या वो एक पत्र लिखता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जरूरी बात यह भी है कि जिन वाक्यों में डू का प्रयोग होता है वहां तो नो प्रॉब्लम, परंतु जिन वाक्यों में डज का प्रयोग होता है वहां कुछ प्रॉब्लम। वो कौन सी प्रॉब्लम, जहां डज का प्रयोग आपने किया है वहां यह देखना चाहिए कि जिन वाक्य